हम सब जानते हैं पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर ही बहता है, वर्षा की बूंदें हो या नदियों का जल। क्या आपने कभी पानी को बिना मोटर के ऊपर चढ़ते देखा है? आज हम दिखाएंगे दाब के कारण ऊपर उठता हुआ पानी का फव्वारा, वो भी बिना मोटर के। Thank you.
आइए जानते हैं हीरोन्स फाउंटेन का सिद्धांत। एक बोतल लें, उसे सीधा रख दें, उसके ऊपर दूसरी बोतल उल्टी करके रखें, यानी ढक्कन से ढक्कन मिलाकर। एक और आधी कटी हुई बोतल दूसरी बोतल के ऊपर रख दें। लाल रंग की स्ट्रॉ कटी हुई बोतल से शुरू होकर सबसे नीचे वाली बोतल तक जाएगी। उसके बाद हरे रंग की स्ट्रॉ सबसे निचली वाली बोतल से लेकर बीच वाली बोतल तक आएगी। पर्पल कलर की स्ट्रॉ कटी हुई बोतल से लेकर बीच वाली बोतल तक डालिए। कटी हुई बोतल से जेल डालिए जो लाल रंग की स्ट्रॉ से होते हुए नीचे वाली बोतल में पहुंच जाता है। पूरे ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दें जिससे पानी बीच वाली बोतल में चला जाएगा। अब इसे फिर से सीधा कर लें। अब आप कटी हुई बोतल में थोड़ा सा जल डालिए जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सबसे नीचे वाली बोतल में चला जाता है। क्योंकि उस बोतल में वायु है तो जल स्थान घेरता है और वायु को ऊपर की ओर धकेलता है जो हरी स्ट्रॉ के माध्यम से बीच वाली बोतल में वायु को पहुंचा देता है। यहाँ वायु का दाब बढ़ता जाता है जिससे जल के ऊपर भी दाब लगता है और जल पर्पल कलर की स्ट्रॉ से होता हुआ बाहर निकलता है। है ना बहुत मज़ेदार। तो आप भी बनाएं इस फव्वारे को।